तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा है करीब सुबह के 9:45 हो रहा है। हाँ हाँ, आज लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह करीब 7:30 बजे सो के उठ चुका था। एंड उसके बाद ब्रश करके एंड उसके बाद सीधा दुकान में चला गया था। थोड़ा कुछ काम हो रहा था दुकान में, तो वहाँ से मैं दुकान से करीब 9:30 के आसपास आया। एंड उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर अभी आप लोग से बातें कर रहा हूँ। अभी चाय वाय भी मैंने नहीं पिया, तो जस्ट फ्रेश होके क्या हो रहा है बाहर में, तो जस्ट फ्रेश होके मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। तभी चलते हैं दुकान में, और उसके पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का। चाय शाम को या फिर बाद में पी लूँगा। तभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड पापा के लिए भी ब्रेकफास्ट लेके चलते हैं नीचे, क्योंकि पापा भी ऊपर नहीं खाते हैं, नीचे खाते हैं, क्योंकि दुकान में एक भैया थे वो नहीं है अभी। तो एंड बंद हो रहा अपने आप, तो लेके चलते हैं खाना। एंड अंकल को भी दे के आते हैं टिफिन। तभी चलते हैं, खुद पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन ऊपर में दोनों भाई बदमाशी कर रहे हैं। सो गाइस, आज है सैटरडे, तो आज है सैटरडे। मम्मी को लेके मैं आया हूँ मंदिर में, हनुमान मंदिर में। तो मम्मी पूजा कर रही है, तो देखते हैं। सो मम्मी पूजा करके आ जाएगी, मैं चलता हूँ दुकान में। स्कूटी मैंने बाहर ही रखा था, तभी चलते हैं दुकान में। सो गाइस, अभी जस्ट मैं मंदिर से आया हूँ एंड लिस्ट तैयार है। तभी मैं जा रहा हूँ बाहर सामान लेने के लिए, तो पापा है दुकान में, मैं चलता हूँ सामान लेके आता हूँ। एंड यहाँ पे पटाखे अभी भी है, दो यहाँ बचा हुआ है, तो इसको बाद में फोड़ेंगे। सो गाइस, अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ सामान। सो गाइस, मैं अभी आया हूँ बालूघाट। जैसा कि मैं आपको ये नदी, ये प्लेस, मेरे बैक साइड में नदी है, तो ये सब मैंने पहले भी दिखाया है बहुत सारे वीडियो में। तो क्योंकि छठ पूजा आ रहा है, तो हम लोग जगह देखने के लिए आए कि कहाँ पे होने वाला है छठ पूजा। एंड इस तरफ ब्रिज बनना स्टार्ट हो गया है, तो इधर से ब्रिज बन के इस तरफ जाना होगा एंड वहाँ पर होगा पूजा। एंड हम लोग तो इधर से हैं, वो जगह दिख भी नहीं रहा। एंड पहले के वीडियो में यहाँ पे बैठा था मैं, एंड वहाँ से मैं बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए वहाँ पे। एंड अभी बहुत ज़्यादा धूप है, टाइम हो रहा है करीब 12 बज रहे हैं। जोश में आ गया धूप में, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है अभी। एंड अभी कोई है नहीं यहाँ पे, भी सिर्फ जो काम कर रहे वही लोग हैं और ना हम लोग दूजन हैं। हम लोग बस देखने आए थे कि कहाँ पर होने वाला है पूजा, क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा था कि घर पर होगा कि बाहर में होगा। तो फाइनली अभी घाट पर ही होगा, तो ब्रिज बनना स्टार्ट भी हो गया है। एंड इधर बहुत सारा बांस लेके आया है ब्रिज बनाने के लिए, तो यहाँ पे लोग काम कर रहा है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है करीब 3 बज रहे हैं एंड मैं जस्ट अभी दुकान पहुँचा हूँ। बाहर में थोड़ा नॉइज रहता है यहाँ पे, तो अभी जस्ट मैं दुकान पहुँचा हूँ। एंड कुछ टाइम मैं बालूघाट घाट के वहाँ से आने के बाद मैं कुछ कुछ सामान लेना था दुकान का, तो वो सब मैंने सामान लिया। एंड उसके बाद फिर मैं दुकान में थोड़ा बिजी हो गया, तो उसके बाद ब्लॉग करने का एकदम भी टाइम नहीं मिला। एंड अभी जस्ट खाना खा के अभी जैसे दुकान पर पहुँचा हूँ, तो अभी मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ। एंड गाइस, अभी फाइनलाइज हो गया है कि छठ पूजा घाट पर होने वाला है। तो आज जैसे मैं गया था, वैसे आज से लेकर पूरा छठ पूजा तक बीच बीच में जाना पड़ेगा घाट पे, क्योंकि मतलब बनाना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा काम रहता है, तो वो सब करना पड़ेगा। एंड बहुत ज़्यादा दूर होने वाला है इस बार भी, क्योंकि लास्ट टाइम तो हुआ नहीं था छठ पूजा घाट पे, सबके घर पे हुआ था, अपने अपने एरिया पे हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से छठ पूजा घाट पे मतलब परमिशन नहीं मिला था। लेकिन इस बार परमिशन है घाट पे जाने का, तो इस बार तो लेकिन ज़्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि पहले बहुत मतलब नज़दीक होता था। एंड धीरे धीरे जैसे नदी का जैसा बहाव दूसरे तरफ चला गया, तो उसके वजह से और दूर हो गया। एंड अभी और थोड़ा दूर हो गया, तो ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा सबको। एंड आज तो ब्रिज थोड़ा सा बन गया था, आधा बन गया था, कल तक शायद पूरा हो जाएगा। तो कल के बाद से मतलब कल वाले दिन या फिर कल के बाद से बहुत सारे लोग मतलब जाके वहाँ पर अपने अपने प्लेस जगह ले लेंगे जहाँ पर पूजा करना है, तो अपना अपना जगह सिक्योर करके रखना पड़ेगा पूजा वाले दिन तक। तो इसलिए डेली डेली जाके चेक करना पड़ेगा अपने अपने
प्लेसेस को। एंड आज बहुत ज़्यादा धूप निकला है, दोपहर के टाइम थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है कुछ दिनों से। तो एंड बार बार में काम रहता है, थोड़ा थोड़ा कुछ सामान लाना पड़ता है, तो इस वजह से मतलब ज़्यादा धूप लगता है। तो अभी थोड़ा तबीयत लो लग रहा है, शायद गर्मी की वजह से लग रहा होगा। तो देखते हैं कल तक कैसा रहता है तबीयत। सो गाइस अभी टाइमर है करीब 5:20 एंड मैं हूँ अभी दुकान में। थोड़ा देर रेस्ट किया था, उसके बाद दुकान में आया, सामान एक लेने गया था बाज़ार में, उसका मान उमान लेके अभी जस्ट दुकान पहुँचा हूँ। एंड अभी जा रहा हूँ चाय पीने, दुकान में ही चाय पी लूँगा। सो गाइस अभी जस्ट दुकान वकान बंद हो गया एंड अभी मैं हूँ रूम पे। तो चलते हैं अभी फ्रेश वेश होते हैं एंड ब्लॉग का एडिट भी करना है, क्योंकि दोपहर मैंने एडिट किया नहीं। तो अभी करते हैं एडिट एंड अभी चलते हैं, पहले फ्रेश होते हैं। एंड यहाँ पे बैग रखा हुआ है, बैग में सब्जी है, आटा है, सबको भी लेके चलना है किचन में, तो इसको भी लेके चलते हैं।